दोस्तों इस कंप्रेसर को हम बिना ऑयल पी रिले को किस तरह से चालू करते हैं मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट इसे हम न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे, अपना कंप्रेसर चल जाएगा। दोस्तों इसमें ऑयल पी और रिले नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसे चालू करके बताएंगे दोस्तों। डायरेक्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक पिन को अपने कॉमन वाले पर देंगे, ठीक है दोस्तों। एक पिन को अपने कॉमन वाले पर देंगे, दूसरी पिन को अपने रनिंग वाले पर देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 पिन सॉकेट पर अपने कंप्रेसर को सप्लाई देंगे और स्विच को अपने बंद रखेंगे। अभी इस तरीके से इसे कनेक्शन कर देंगे। अब इसे स्विच को बंद रखेंगे। अब स्विच को कब चालू करेंगे, अपने रिले का क्या काम होता है, रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारने का काम अपने रिले का होता है दोस्तों। रिले का जो काम होता है वही अपने पेचकस के माध्यम से करेंगे। रिले का क्या काम होता है, रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारता है, तो मैं आपको पेचकस के माध्यम से वो रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारेंगे और कंप्रेसर अपना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों अपना डायरेक्ट ये चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से दोनों पॉइंट को टच कर देंगे नीचे वाले को, दो रनिंग स्टार्टिंग में लगा चुके हैं पेचकस को, अब इसे चालू करके इस तरीके से हटा देंगे दोस्तों। पेचकस के द्वारा रनिंग से स्टार्टिंग शॉट मारा है तो अपने कंप्रेसर चालू हो चुका है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी।